दोस्तों नमस्ते। दोस्तों एयर इंडिया में दिव्यांग पर्सन को जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होती है उनको डिस्काउंट मिलता है। कितना मिलता है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। उसके पहले आपको ये एक गुजारिश है कि बेरे फ्री वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे वीडियोज दिव्यांग जनों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से पेश किए गए, सिंपल भाषा में हमने पेश किए है। सो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो लाइक कीजिएगा प्लीज। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उन लोगों को एयर इंडिया में, ध्यान रखना जो फ्लाइट रहती है एयर इंडिया की, उसमें डिस्काउंट मिलता है। कितना मिलता है वो बाद में बताएंगे, लेकिन किसको मिलता है, क्या क्राइटेरिया है इसका। सबसे पहले जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिसको हम ऑर्थोमेटिक डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं, तो उसमें मिनिमम आपके 80% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। कितनी? 80% और 80% एंड अबव, ये दोनों को यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एयर इंडिया की जो डेफिनेशन है यहाँ पे कि भाई किन किन बंदों को मिल सकता है, तो जो पैराप्लेजिया हुआ है, हेमाप्लेजिया हुआ है, सेरेब्रल पॉल्सी है, यू नो पोलियोमेलाइटिस है जिसमें यू नो बहुत ही सीवियर केस है जिसका, काइफोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज है, एम्प्यूटीज है, इन लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा अगर 80% से ज्यादा इनका डिसेबिलिटी है तो। ठीक है, एक चीज हो गई, आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज दूसरी भी उन्होंने लिखी है कि बुकिंग कैनॉट बी मेड ऑनलाइन, तो आपको ये आपकी जो नजदीकी एयरलाइन ऑफिस है वहां पे जाके ये कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। बुकिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती, ऐसा लिखा है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो गाइडलाइन दी है इसमें लिखा हुआ है। मैं हालांकि यहाँ पे ये जो गाइडलाइन एयर इंडिया ने दी हुई है कि आप फ्लाइट में क्या क्राइटेरिया है, वो पूरा का पूरा गाइडलाइन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वो आपके लिए ईजी रहे समझने के लिए। ठीक है, एक चीज वो ये हो गई, देन हो गया आपका मतलब कहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। एयर इंडिया ऐसा नहीं कि फॉरेन में भी आपको डिस्काउंट देंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर परिभ्रमण करना है आपको, मतलब हवाई परिभ्रमण करना है एयर इंडिया के थ्रू, तो ही आप ये कर सकते हैं। विदेश के लिए ये डिस्काउंट नहीं, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। ठीक है, और टिकट कितनी वैलिड है, तो ऑफकोर्स एक साल के लिए वैलिड रहती है ये टिकट। ठीक है, जो भी आपकी डेट की टिकट है वो। और दूसरा इन्होंने लिखा है कि एडवांस परचेस कितने तक कर सकते हो, तो उन्होंने लिखा है कि टिकट्स टू बी परचेस्ड 3 days बिफोर डिपार्चर। ठीक है, उससे पहले आप 3 दिन तक पहले आप करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपको 80% डिसेबिलिटी है, उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है, और ये जो केसेस हमने बताए आपको, तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा एयर इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी है उन्होंने, हम चाहेंगे कि दूसरी भी एयरलाइंस जो है ऐसा कुछ फैसिलिटी दे ताकि जो भी दिव्यांगजन है उनको बहुत मुश्किलात आती है यू नो ट्रैवल करने के अंदर दूसरी जगहों से, बिकॉज ये एक्सेसिबल नहीं है इतना, मतलब रेलवे कहो या तो फिर बसेस कहो हमारे लिए। सो दिस विल बी द नाइस ऑप्शन फॉर अस। ओके, तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो को शेयर करिएगा, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिएगा, मैं यहाँ पे इन लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा यहाँ पे कि जो एयर इंडिया ने दी है यहाँ पे डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।